हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं स्नैपसीड में न्यू फेस क्रैक इफेक्ट फोटो एडिटिंग। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब करके जाना हमारे चैनल को। तो गाइस, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हमें इस बैकग्राउंड को शेयर करना है स्नैपसीड ऐप में। और यहाँ पर हम जाएंगे मेनू में और यहाँ पर डिटेल्स टूल में जाएंगे और स्ट्रक्चर और शार्पनिंग को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर से जाएंगे मेनू में और यहाँ पर अब डबल एक्सपोजर पे जाएंगे। यहाँ से ऐड फोटो करेंगे और यहाँ पर मॉडल की फ़ोटो को ऐड करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ उसे सेट कर लेंगे। तो गाइस, इस मॉडल की फ़ोटो को हमें बहुत ऊपर तक नहीं सेट करना है, नीचे की तरफ ही सेट करना है। ठीक है, सेट करने के बाद यहाँ पर ओपेसिटी को हम फुल कर लेंगे और यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे एडिट मेनू में, यहाँ से व्यू एडिट्स और यहाँ से डबल एक्सपोजर सेलेक्ट करना है हमें। तो गाइज, अब हम इरेज करने के लिए यहाँ पर इफेक्ट को ज़ीरो तक करना पड़ेगा और अब यहाँ से इरेज कर लेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइज, मैं यहाँ पर फटाफट इरेज कर लूँगा। तो गाइस, यहाँ पर हमारा इरेज हो चुका है, अब यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे विंटेज इफेक्ट और यहाँ पर 12 नंबर का इफेक्ट सिलेक्ट करना है हमें। और तो गाइस, यहाँ पर हम सैचुरेशन को डाउन करेंगे और स्टाइल स्ट्रेंथ को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाएंगे और वीकनेस टेंट को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेना है 20+ तक। और यहाँ पर सेचुरेशन को हम थोड़ा और ज़्यादा डाउन करेंगे 55- तक। अब गाइज, यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पर विंटेज सेलेक्ट करना है हमें। तो गाइज, अब हम मॉडल के फेस के ऊपर और हैंड के ऊपर इस इफेक्ट को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर इफेक्ट को हमें 100 तक करना पड़ता है। तो गाइज, यहाँ पर हमारा ड्रॉ हो गया है। अब हैंड के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल उसी तरह से। तो गाइज, मैं यहाँ पर फास्ट फास्ट कर रहा हूँ, आपको आराम से करना है जिससे इफेक्ट अच्छा है। तो गाइज, अब हम यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से हम मेनू में और यहाँ पर वाइट बैलेंस सिलेक्ट करेंगे और टेम्परेचर को यहाँ पर थोड़ा सा माइनस करेंगे हम और यहाँ पर टिन को हम जैसा था वैसा ही रखेंगे। तो गाइज, यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर कर्व्स टूल सिलेक्ट करा है मैंने और यहाँ पर हम डार्कन इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो गाइज, इस लाइन को हम बीच में से सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो गाइज, अब यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर पोर्ट्रेट इफेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्मूथ 1 इफेक्ट सिलेक्ट करना है हमें और फेस स्पॉटलाइट को बढ़ा लेंगे और यहाँ पर स्किन स्मूथिंग को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो गाइज, यहाँ पर आई क्लियरिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है हमें और यहाँ पर अब फेस स्पॉटलाइट को हम रखेंगे 57+ तक। ठीक है, अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर कर्व्स टूल सिलेक्ट करा है मैंने और यहाँ पर इफेक्ट सिलेक्ट करना है हमें सॉफ्ट कॉन्ट्रास्ट। तो गाइज, इस लाइन को हम ऊपर से थोड़े से नीचे की तरफ डाउन करेंगे और यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर सिलेक्टिव टूल सिलेक्ट करना है हमें और फेस के ऊपर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ब्राइटनेस को हम डाउन करेंगे और कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को यहाँ पर थोड़ा सा डाउन करना है
और स्ट्रक्चर को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो गाइज अब हम यहाँ से कर लेंगे डन। अब हमें फिर से जाना है मेनू में और यहाँ पर पोर्ट्रेट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम कॉम्बो ट्री। कॉम्बो ट्री इफेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। तो गाइज अब हम फिर से जाएंगे मेनू में और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे डबल एक्सपोजर और यहाँ पर एक क्रैक पीएनजी को ऐड करेंगे और उसे यहाँ पर फेस के ऊपर सेट कर लेंगे और यहाँ पर डार्कन इफेक्ट हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ से डार्कन इफेक्ट हमें सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर अच्छी तरह से फेस के ऊपर सेट कर लेंगे। तो गाइस सेट करने के बाद हम यहाँ से कर लेंगे डन और जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पर डबल एक्सपोजर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर 100 तक करेंगे इफेक्ट को और फेस के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। तो गाइस अब हम लोग यहां से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहां पर सिलेक्ट करेंगे हम डबल एक्सपोजर और स्मोक पीएनजी को यहां पर ऐड करेंगे और उसे यहां पर ऊपर की साइड सेट कर लेंगे और उसका इफेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे ऐड इफेक्ट। तो गाइस इस स्मोक को यहाँ पर हम इस तरह से सेट करेंगे कि जो क्रैक पीएनजी हमने लगाई है वहाँ से जो स्मोक है वो निकल रहा है उस तरह से हम सेट करेंगे। तो गाइस अब हम जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पर डबल एक्सपोजर सबसे ऊपर वाला सिलेक्ट करना है हमें और यहाँ पर इरेज करने के लिए 0 तक करना है और यहाँ से नीचे से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे और साइड पर से भी थोड़ा सा इरेज कर लेना है हमें इस पीएनजी को और यहाँ पर ये जो इफेक्ट लगा है फेस के ऊपर उसे भी इरेज कर लेंगे। तो गाइज इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से कर लेंगे डन। अब जाएंगे फिर से मेनू में और यहाँ पर डबल एक्सपोजर सिलेक्ट करना है हमें और एक स्मोक पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लेंगे और यहाँ पर साइड पर जो थोड़ा सा हिस्सा है इस पीएनजी का उसे यहाँ पर सेट कर लेंगे इस पीएनजी के साथ में। तो गाइज उसका भी इफेक्ट हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ऐड इफेक्ट और ऑपेसिटी को थोड़ी सी कम कर लेंगे। तो गाइज इस पीएनजी को कुछ इस तरह से हम सेट करेंगे और ऑपेसिटी को यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ाई है मैंने, आप अपने हिसाब से रख सकते हो ऑपेसिटी। और अब जाएंगे एडिट मेनू में और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे उस पीएनजी को थोड़ा सा। तो गाइज आप देख सकते हो हमारी पीएनजी बहुत अच्छी लग रही है। तो गाइज ऊपर की तरफ हमें नहीं करना तो यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज अब हम यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। तो गाइज अब हम फोटो को यहाँ से कर लेंगे सेव और जाएंगे लाइटरूम ऐप में और इस प्रेसेट को यहाँ से कॉपी सेटिंग कर लेंगे और यहाँ पर 3 डॉट के ऊपर जाएंगे और पेस्ट सेटिंग कर लेंगे। तो गाइज हमारी एडिटिंग रेडी हो चुकी है तो यहाँ से हम फोटो को कर लेंगे सेव।